नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। इंदौर सदर बाजार थाना क्षेत्र में मोबाइल कंपनी के कर्मचारी और उसके भाई पर जानलेवा हमला कर दिया। दोनों को गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि चार लोगों ने मिलकर हमला किया था। चाकू मारने वाला मुख्य आरोपी अपने बेटे को जेल भेजने और पुलिस से मुखबिरी की को लेकर नाराज था, इसलिए मौका पाकर रविवार रात तीन अन्य लोगों के साथ मिलकर दोनों भाइयों पर हमला कर दिया। पुलिस के मुताबिक घटना रविवार रात करीब 12:15 बजे की है। फैजल 18 पुत्र फिरोज पठान निवासी भिष्टी मोहल्ला और उसके भाई फैजान 21 पर चार बदमाशों ने चाकू और अन्य हथियारों से हमला किया है। दोनों को चाकू से हमला कर दिया। दोनों के पेट, गले और पैर और सिर में चोटें आई हैं। पुलिस ने दोनों भाइयों की शिकायत पर इरफान शबूफ, डॉन श्रान और भयू पर हत्या के प्रयास के साथ कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक फैजान ने बताया कि वो रात में करीब 12 बजे परिवार के साथ खाना खा रहे थे, तभी सामने रहने वाला इरफान आया और गेट पर डंडा ठोकने लगा। कुछ देर बाद कहने लगा कि तुम पुलिस को हमारी मुखबिरी करते हो, तुमने मेरे बेटे को जेल भिजवा दिया है। तभी शबू इशरान और भैयू हथियार लेकर निकले। शबू ने फैजान को गले, कमर और कान पर चाकू मारा। थाना क्षेत्र में एक चाकूबाजी की घटना हुई है, जिसमें जान से मारने का प्रयास किया गया आईपी सेक्शन 307 के तहत। इसमें जो नूर चाचा की ऑटो गैराज है वहाँ पर भिस्ती मोहल्ला, वहाँ पर यह घटना हुई थी। इसमें पुलिस की मुखबिरी को लेकर आरोपी के द्वारा इनकी मारपीट की गई और इसमें तीन जो लोग हैं जिनके साथ मारपीट की गई है आरोपियों के द्वारा, और इसमें फैजन, फैजल एक अन्य व्यक्ति के साथ डंडे से और पत्थर से और चाकू से मारपीट की गई, उसके बाद ये फरार हो गए। इसमें ये चार आरोपी है, कुल एक आरोपी फरार है, तीन आरोपी गिरफ्तारी की जाए। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।